ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में जो है मैं आज आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 जो है आप लोगों का शेड्यूल जो है जारी कर दिया गया है। अब उसके अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप फॉर्म भर रहे हैं, देखिए छोटी सी गलती आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है, तो प्लीज़ आप जो है कई ऐसी बातों का ध्यान रखें। तो देखिए सिंपली जो है मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर लेकर आया हूँ, आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सर्च किया हुआ है, तो आप जैसे इसे सर्च करेंगे तो ये इस तरीके से आपके पास इसे गूगल पर सर्च करेंगे तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की ये वाली साइट जो है आपके सामने जो है खुल जाएगी। तो देखते हैं, जैसे ही आप जो है इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो है नीचे की तरफ आप स्क्रॉल कर आएंगे तो देखिए नोटिफिकेशन विद रिगार्ड टू शेड्यूल ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 जो है यहाँ पर आ जाएगा। डाउनलोड PDF, इसके अंदर पूरा शेड्यूल है आप लोगों का। रजिस्ट्रेशन लिंक पर हम लोग चलते हैं सीधा, तो रजिस्ट्रेशन लिंक पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर देखते हैं कि इंटरफेस क्या खुलता है और आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से यहाँ पर जारी करे गए हैं, वो इंस्ट्रक्शन भी हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए ये जो है पोर्टल यहाँ पर खुल गया है, लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, होम पेज का आ रहा है, इंस्ट्रक्शन हाउ टू अप्लाई इंपॉर्टेंट डेट आ रहा है, तो इंस्ट्रक्शन पर आप लोग जो है क्लिक करेंगे। इंस्ट्रक्शन एक बार हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन के अंदर बोला गया रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर अप्लाई ऑनलाइन, तो देखिए ऑनलाइन जो है मैंडेटरी है। योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मस्ट बी यूनिक एंड वैलिड होना चाहिए। दे विल बी यूज रजिस्ट्रेशन ऑल द फ्यूचर कम्युनिकेशन थ्रू आउट द एग्जामिनेशन प्रोसेस। इट इज़ ए क्रूशियल दैट यू कीप योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस एक्टिव एंड एक्सेसिबल। देर इज़ ए नो प्रोविजन फॉर चेंजिंग दीज डिटेल वंस रजिस्टर्ड। तो देखिए यहाँ पर आप जो है बदल नहीं सकते हैं जो भी आपने जो है डिटेल डाली है। ओनली वन रजिस्ट्रेशन अलाउ पर कैंडिडेट, तो एक कैंडिडेट जो है एक ही रजिस्ट्रेशन अलाउ कर सकता है, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो कि आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन पाएगी तो आप जो आपका फॉर्म जो है कैंसिल किया जाएगा। इन द केस ऑफ 80% डिसेबिलिटी 20 मिनट एक्स्ट्रा विल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट। तो जो 80% डिसेबिलिटी है, मान लीजिए जिनकी जो है शारीरिक अक्षमता है, ठीक है, तो वो जो है आप जो है उस पर जो है 20% उन्हें जो है एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। आगे हल्का सा हम पढ़ लेते हैं इसके अंदर। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आपके पास जो है 10th 12th का मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, 10th की होनी चाहिए, और आपके पास जो है कोई डिप्लोमा आप वो भी इसमें फिल कर सकते हैं। 3-year 5-year LLB का सर्टिफिकेट वो आपको अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, इनरोलमेंट सर्टिफिकेट करना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट करना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट करना है। और ये देखिए प्रोसेस है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाना है, फिर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन बटन, नेम डालना है आपको, उसके बाद आपका जो भी नंबर है नेम है और वही नेम डालें जिसमें आप बार काउंसलिंग के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन कराया था। मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, उसके बाद ईमेल आईडी भी वही यूनिक होनी चाहिए, और जो है पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड आपका होना चाहिए, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद जो है हम कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है, फिर आपके पास जो है एक OTP आएगा, OTP के बाद जो है आपको OTP वेरीफाई करना, फिर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, ठीक है, इसके लिए आपको जो आपने आईडी और पासवर्ड बनाया है उस पर क्लिक करना है, और फिर आपकी पूरी डिटेल फॉर्म खोल के आ जाएगा। फिर फॉर्म के अंदर जो है आपको एजुकेशन डिटेल डालनी है, फोटो आपको अपलोड करनी है, सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है, आपका इनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, अपलोड द कैटेगरी डिसेबिलिटी आपको अपलोड करना है, और प्रीव्यू पर आपको जाना है, और सक्सेसफुली सबमिशन आप कर देंगे। एक बात ध्यान रखिए 1 MB तक जो है आप फोटो अपलोड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। फिर बटन पर आपको क्लिक करना है, पेमेंट वाले बटन पर, फिर आप जैसे ही पेमेंट अपनी क्लिक पे कर देंगे तो आपके साथ जो है आपके पास जो एक प्रिंट स्लिप आपके पास आ जाएगी। एक बात ध्यान रखिए, कोई अगर डिफ़िकल्टी हो रही है पेमेंट के अंदर, आपको लग रहा है आपकी पेमेंट हो गई है बट जो है पैसे आपके पैसे डिडक्ट हो गए हैं बट एप्लीकेशन के अंदर आपका जो है इस तरीके से नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप जो है दोबारा जो है उसे पेमेंट करें, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने बोला हुआ है सक्सेसफुली लिखा आना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप एक बार चेक कर लें, और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जो है आखिरी में सपोर्ट सिस्टम में जा सकते हैं, आप उनसे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इट मीन्स कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखिए ये सपोर्ट सिस्टम है, तो आप जो है यहाँ पर कॉल करके और इन्हें जो है इस हेल्प डेस्क पर जाकर जो है आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस था, लॉगिन आपको यहाँ से करना है, हेयर एंड न्यू यूज़र के लिए यहाँ पे है रजिस्टर हेयर, और जो है फिर आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है सारी की सारी, तो इस तरीके से आप जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई, कोई डाउट है तो प्लीज़ आप जो है मुझे कमेंट कर